हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो नंबर 175 में कुछ बेसिक स्टिचेस सिखाए थे। आज मैं कुछ और बेसिक स्टिचेस आपको सिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम सीखेंगे केबल चेन स्टिच। केबल चेन स्टिच बनाने के लिए हम नीडल को फर्स्ट रैप करेंगे और फिर हम डाउन ले जाके और एक लाइन पे छोटा सा स्टिच लेंगे और इस थ्रेड को खींचे रखेंगे, तभी ये ब्यूटीफुल इफेक्ट देगा। इसको हम बहुत ज्यादा जोर से नहीं खींचेंगे। नेक्स्ट स्टिच के लिए दोबारा से हम थ्रेड रैप करेंगे और लाइन पे वर्क करते हुए एक छोटा सा स्टिच लेंगे और इसको थ्रेड को आगे ही रखेंगे। आपने सबसे पहले थ्रेड को पकड़ना है और नीडल को ऐसे रैप करना है और इसके टॉप से एक छोटा सा स्टिच लेना है लाइन पे, जिस लाइन पे आप वर्क करना चाह रहे हैं। ऐसे ये थ्रेड इंश्योर है कि टाइट है और इसको हम हल्के हाथों से खींचेंगे, तभी चेन का इफेक्ट आएगा। तो इसे हम केबल चेन स्टिच बोलते हैं। इस थ्रेड को आपने टाइटली पकड़े रखना है। कोशिश करें कि स्टिचेस बराबर लें, तभी इफेक्ट जो है वो ब्यूटीफुल आएगा। बस इसी तरीके से वर्क करते हुए हम किसी भी आउटलाइनिंग को केबल चेन स्टिच के साथ ब्यूटीफाई कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे वी टेयर स्टिच। वी टेयर स्टिच बनाने के लिए हम सबसे पहले एक वी बनाएंगे। इधर भी स्टिच लेंगे एक छोटा सा, एक इधर स्टिच लेंगे। ओके, इसको नीचे टक करेंगे और ये जो हमारी लाइन आ रही है इस पे हम इतना डाउन जाएंगे। तीन स्टिच लेने के बाद हम तीनों स्टिचेस के ऊपर से इस थ्रेड को बीच में से पास कर लेंगे ऐसे और इसको नीचे टकिंग कर दें। अब हम दोबारा से इसके दोनों तरफ से एक एक स्टिच लेके बेस पे बी बनाएंगे। ये देखिए ऐसे और ऐसे, और ये स्टिच जो है वह नीचे बेस पे हम बराबर जितना पहले नीचे आए थे उसी उतना ही दोबारा से नीचे आएंगे और इन तीनों स्टिचेस के बीच में से हम नीडल को पास कर लेंगे। तो ये वी टेयर स्टिच है। दोनों तरफ वी बनाएंगे और नीचे आएंगे। बहुत इजी है और बहुत फास्ट बनता है, देखने में इसका इफेक्ट बहुत ब्यूटीफुल आता है। ये देखिए ये किस तरह से इफेक्ट दे रहा है। आप इसको और हाईलाइट करने के लिए इसके दोनों तरफ फ्रेंच नॉट्स बना सकते हैं। आप कुछ भी एम्ब्रॉयडरी जो है इसके ऊपर आगे पीछे करके इस लाइन को आप फिल कर सकते हैं, इसकी आउटलाइनिंग भी कर सकते हैं। इसको वी टेयर स्टिच बोलते हैं। तो ये गेहूं के सिट्टे की तरह इसका इफेक्ट आता है, इसलिए इसको वी टेयर स्टिच बोलते हैं। अब हम सीखेंगे नॉट स्टिच। नॉट स्टिच वही स्टिच है जैसे कि हम बैक में थ्रेड को टक करने के लिए एक छोटा सा स्टिच लेते हैं और फिर हम इस नीडल को इसमें से पास करते हैं, इस थ्रेड नीडल को इस थ्रेड में से पास करते हैं। पास करने के बाद हम ये जो हमारा स्टिच है नीचे वाला, इसको हम दोबारा से आगे थ्रेड करके चेन करते हैं। तो दिस इज नॉट स्टिच। उसके बाद हम थ्रेड को काट देते हैं। ऐसे ही करते हैं हम नीचे, जब हम बंद करते हैं किसी भी थ्रेड को तो इसको हम नॉट स्टिच कहते हैं। और इसको अगर लाइन में वर्क करना हो तो ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है। आपने इसको ऐसे इसमें से पास करना है और आगे चेन करके ये वाला स्टिच जो है इसको उठाना है और नॉट लगाना है। तो
तो ये कई फ्लावर्स में ये बहुत अच्छी स्टेम का लुक देती है। यहाँ हमने ड्राइड स्टेम दिखानी होती है, कांटेदार या सूखी स्टेम दिखानी होती है, तो हम इस तरह का इफ़ेक्ट देते हैं। उसको हम छोटा सा स्टिच लेते हैं, नीडल को पास करते हैं और ऊपर वाली वी में से आगे से चेन स्टिच करते हैं। सेम इसी स्टिच को जब हम डिफरेंटली वर्क करते हैं, यही स्टिच है ये जो हमने बनाया है, बस इसको हम थोड़ा पास पास वर्क करेंगे। ये देखें, मैंने इसको यहाँ पे स्टिच लिया बिल्कुल पास। ये छोटी सी वी बनी है, इसको हम ऐसे ही स्टिच को उठा लेंगे जैसे हमने पहले उठाया था। और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसका, इसको हम आगे से थ्रेड रख के चेन करेंगे ऐसे, और इसको बहुत जोर से नहीं खींचेंगे, हल्के हाथों से खींचेंगे, ठीक। और फिर से हम दोबारा से इसके बिल्कुल पास ऐसे एक स्टिच लेंगे। सेम स्टिच है, बस इसको हमने थोड़ा पास वर्क किया है और थोड़ा बोल्ड इफेक्ट देने के लिए इसको ऐसे पास पास वर्क कर रहे हैं और हल्के हाथों से खींच रहे हैं इसमें हम। तो इसी स्टिच को हम फिर पर्ल स्टिच या बीड स्टिच बोलते हैं। सेम स्टिच है, इसमें हमने थ्रेड को खींच के और थोड़ा सा आगे ले जाके स्टिच लिया है, इसको हम बिल्कुल पास पास वर्क करेंगे। ये देखिए यही स्टिच है, हम इसको पास वर्क कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा ले रहे हैं स्टिच को, थोड़ा बड़ा लिया और इस स्टिच में से हमने थ्रेड नीडल को ऐसे पास किया यूं ही, कोई रैपिंग नहीं की। और फिर जब हम दोबारा से एक बारी इसको दोबारा चेन इसको उठाते हैं स्टिच को, तो हम चेन स्टिच कर लेते हैं। इसको हम खींच के सेंटर में ले आते हैं ताकि ये पूरा पर्ल का इफेक्ट दे ऐसे। फिर इसको ऐसे स्टिच लेते हैं एक छोटा सा, और ये वाला स्टिच आराम से उठाते हैं, इसको सेंटर में ले आते हैं बी बनाने के लिए, और फिर ये वाला स्टिच है इसको हम चेन स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखें, जब हम पास पास वर्क करते हैं तो कुछ इस तरह से इफेक्ट देता है, और जब हम इस थोड़ा डिस्टेंस पे बनाते हैं तो ये यूं दिखाई देता है। तो आप इसको अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे बास्क स्टिच। बास्क स्टिच बनाने के लिए ये कॉम्बिनेशन है हमारा बटन होल स्टिच और ट्विस्टेड चेन स्टिच का। तो इसकी ट्विस्टेड चेन जो है, पहले हम थ्रेड को यहाँ से नीडल निकालेंगे और ये जो थ्रेड है इसको ऐसे लेके इसके ऊपर से यूं एक स्टिच लगाएंगे, और ये जो हमारी थ्रेड है इसको नीडल के नीचे से पास करते हुए और यहाँ पे हम ट्विस्ट करेंगे। और यहाँ पे इसको टक कर देंगे, फिर से हम इसके बेस पे निकालेंगे यूं, और इस थ्रेड को ऐसे रखेंगे, मतलब नीडल को इसके नीचे से पास करेंगे ऐसे ऐसे, और ये जो चेन है ये ट्विस्ट करेंगे इसको। तो ये बहुत सुंदर डेकोरेटिव लाइंस बनती हैं। इस थ्रेड को हम यूं रखेंगे और इस थ्रेड यहां से स्टिच लेंगे ऐसे। जितना बड़ा स्टिच लेना चाहें आप ले सकते हैं, और फिर इसको ट्विस्ट करेंगे थ्रेड को ऐसे, इसको बनाएंगे यहाँ टक कर देंगे। और फिर से हम यहाँ पे ही इसको नीडल को निकालेंगे, ये जो थ्रेड है इसको हम ऐसे रखेंगे और फिर हम इस यहाँ से एक स्टिच लेंगे और इसी थ्रेड को ऐसे ट्विस्ट करेंगे। बहुत जोर से नहीं खींचेंगे तभी हमारा ट्विस्ट दिखाई देगा,
स्टिचेस कोशिश करें कि बराबर हों आपके। ये देखिए, और यहाँ से इसके वेस्ट पे हम निकाल लेंगे। ये ब्लैंकेट स्टिच की तरह दिखता है, लेकिन ये ट्विस्टेड होता है तो इसका इफेक्ट जो है वो बहुत सुंदर लगता है। तो अब ये बास्क स्टिच के बाद हम सीखेंगे माउंट मेलिक स्टिच। माउंट मेलिक स्टिच बनाना भी बहुत इजी है। आपने यहाँ से धागा निकालना है और उसके बाद आपने ये जो लाइन जिसके साथ वर्क करना है उसके बिल्कुल पैरेलल आपने ऐसे स्टिच लेना है। ठीक, स्टिच लेने के बाद ये एक डैंगल स्टिच आपका आ गया, और फिर आपने इस स्टिच को ऐसे उठाना है, ऐसे सिंपल उठाने के बाद आपने ये जो बेस का स्टिच है यहाँ से इस स्टिच तक एक स्टिच लेना है, और इस चेन को आपने ऐसे आगे रखना है, तो ये ऐसे वी बनते जाएंगे। तो ये देखें ये कितना ब्यूटीफुल माउंट मेलिक स्टिच बनके रेडी हो गया। आप इससे किसी भी नेकलाइन की या आप कहीं पे भी इसकी आउटलाइनिंग दे सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से वर्क होता है, इस तरीके इस तरफ से भी ये ऐसे ही वीवी बन सकते हैं। अगर आप ये जो स्टिच इधर से लिया, अगर आप इसको इधर से लेंगे तो ये वी जो है वो इस तरफ से हो जाएंगे। तो अब हम आपको सिखाएंगे एक और स्टिच जिसे हम बोलते हैं ट्विन ब्लैंकेट स्टिच। आपको ब्लैंकेट स्टिच बनाना आता है, आप इस तरीके से ब्लैंकेट स्टिच बनाते हैं, थ्रेड को आगे रखते हैं और लाइन के साथ साथ वर्क करते हैं, ठीक है, और इसको दोबारा बनाते हैं। लेकिन हम इसको ट्विन ब्लैंकेट स्टिच बनाएंगे। ट्विन ब्लैंकेट स्टिच बनाने के लिए ये जो हमने एक स्टिच लिया है बिल्कुल इसके बराबर एक और स्टिच इसके साथ लेंगे ऐसे, और ये जो थ्रेड है इसको हम इसके आगे से ऐसे रैप करेंगे और इसको ऐसे खींच लेंगे। तो ये देखिए ये ट्विन ब्लैंकेट स्टिच बन गया। फिर थोड़े गैप में हम दोबारा से ब्लैंकेट स्टिच करेंगे ऐसे, और एक और इसके साथ स्टिच लेंगे और उसको ऊपर से ऐसे घुमाएंगे और इसको नीचे को ले आएंगे। तो ये ट्विन ब्लैंकेट स्टिच बन गया। फिर से देखिए आप कैसे बन रहा है ये। आप ऐसे ब्लैंकेट स्टिच बनाते हैं, दोबारा से ऐसे करते हैं, लेकिन हम दोबारा से ऐसे नहीं करेंगे। अब हम इसके साथ ही एक और स्टिच लेंगे और उसको हम थ्रेड को इसके नीडल के ऊपर से पास करेंगे और इस स्टिच को नीचे को खींच लेंगे ऐसे। ये देखिए मैंने आपको ये कुछ स्टिचेस सिखाए हैं, उम्मीद है आपको सारे अच्छे से समझ आ जाएंगे। इसको केबल चेन स्टिच बोलते हैं, ये वी टियर स्टिच है, ये नॉट स्टिच है, ये बीड स्टिच या पर्ल स्टिच बोलते हैं, इसको बास्क स्टिच बोलते हैं, ये माउंट मेलिक स्टिच है, और ये ट्विन ब्लैंकेट स्टिच है। तो आई होप कि आपको ये सारे स्टिचेस जो हैं वो आराम से समझ आ गए हैं कि ये किस तरीके से वर्क होते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।